एवरीवन, वेलकम टू क्रंच कैफे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी छोले की चाट की रेसिपी। अगर आपके पास छोले बॉईल हुए हुए रखे हैं पहले से तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाती है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ के जी जो हैं छोले, वाइट वाले जो छोले होते हैं उन्हें मैंने ओवरनाइट सो कर रखा हुआ था, और अब इसको यहाँ पर मैं प्रेशर कुकर के अंदर ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर सारे छोले को मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और अब इसके अंदर हम वाटर ऐड करेंगे। वाटर हमें इतना ऐड करना है कि जो छोले हैं वो सारे इसके अंदर अच्छे से डूब जाएं, कवर हो जाएं वाटर से। और इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर देंगे हाफ टेबल स्पून, और इसको लिड लगा कर रख देंगे जब तक 3 से 4 वेसल ना आ जाएँ और जो छोले हैं वो हमारे अच्छे से कुक ना हो जाएँ। तो यहाँ पर 3 से 4 वेसल आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो छोले हमारे हैं वो लगभग 80-90% तक कुक हो चुके हैं। तो अब इसका जो वाटर है वो स्ट्रेन कर लेंगे और छोलों को निकाल कर अच्छे से वॉश कर लेंगे ठंडे पानी से। अब यहाँ पर इसकी चाट की रेसिपी के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स आएंगे तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने टमाटर रखे हुए हैं चॉप कर, बॉयल पोटैटो है, लेमन है और अनियन है, कोरिएंडर है, ग्रीन चिली है। तो ये सारी चीज़ें मैंने चॉप कर यहाँ पर रखी हुई हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया था, उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने के बाद इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून क्यूमिन सीड ऐड करे थे, और उसके बाद इसके अंदर मैंने 1 मीडियम साइज़ जो अनियन है उसे चॉप करके जो मैंने रखी हुई थी वो ऐड कर दी है। 1 से 2 मिनट के बाद इसके अंदर मैंने धनिया, कोरिएंडर जो रखा हुआ है चॉप कर वो ऐड कर दिया है, साथ ही 3 से 4 ग्रीन चिली और 1 मीडियम साइज़ का टोमेटो ऐड कर दिया है चॉप कर, और इन सब चीज़ों का अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर यहाँ पर मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और रेड चिली पाउडर और साथ ही चाट मसाला, ये सब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पोटैटो ऐड कर दिए हैं और जो हमने बॉईल कर छोले रखे हुए थे वो ऐड कर दिए हैं, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसके अंदर लेमन जूस ऐड करने के बाद उसको हम सर्व कर लेंगे। तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से छोले की चाट की रेसिपी हमारे यहाँ पर बनकर रेडी हो चुकी है। इस टेस्टी और मज़ेदार से रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऐसी रेसिपीज़ के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।